गुड आईएमसी माय डियर फ्रेंड, इसे संदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वेलकम टू आईएमसी परिवार। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में लेकर आया हूँ हमारे जैसे जो नौजवान है, यूथ है, जो भारत के लिए बहुत ही प्राउड का फील है कि सबसे ज़्यादा यूथ की बात किया जाए तो ऑल ओवर इंडिया में अपने इंडिया के पास ही है। तो हमारे पास सबसे बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिल चुकी है आईएमसी बिजनेस। ये एमएलएम जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में चल रही है। और सबसे अच्छी बात है कि आज की डेट में 2019 में ये बिजनेस हमें मिली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और हम सब चाहते हैं इस बिजनेस में सक्सेस करना, क्योंकि ये बिजनेस 2007 से कंटिन्यू रनिंग करते हुए आ रही है और 12 साल हो चुके हैं। लेकिन हम इस बिजनेस में आके काम करते हैं तो होता क्या है कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो मैं छोटे सा एक सजेशन लेकर आया हूँ, अगर आप इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आईएमसी बिजनेस में बहुत ही जल्द ग्रोथ दिखेगी और आपकी इनकम अर्निंग भी शुरू हो जाएगी और आप कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे और दुनिया कुछ भी कहे लेकिन आईएमसी बिजनेस इज द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो मैं मेन टॉपिक में बात करता हूँ एक्चुअली करना क्या है। जिस तरह मैं बतलाता हूँ कि जिस तरह हम स्टार्टिंग पीरियड में हमारे पास एजुकेशन के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है, हम पढ़े लिखे नहीं होते हैं, हमें 1 2 ABCD काका कुछ नहीं मालूम होता है। लेकिन जैसे हम स्कूल में जब दाखिला लेते हैं, स्टडी करना शुरू करते हैं, तो स्टडी करते स्टार्टिंग पीरियड में हम 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास ज़्यादा जाते जाते हम ABCD 1 2 काका सब सीखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। और बढ़ते बढ़ते क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि हम 10th की बोर्ड एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर जाते हैं और आगे निकलते हैं। उसके बाद हम 10th 12th इंटर के साइंस के एग्ज़ाम से भी हम क्वालिफाई कर जाते हैं और अच्छे ग्रेजुएशन तक पास कर जाते हैं और बहुत ही अच्छी जॉब के प्रिपरेशन करने शुरू कर देते हैं। तो इस पीरियड में होता क्या है कि हम जितने सारे भी एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें हमारा एक टारगेट होता है कि हमें 1 साल 2 साल 3 साल मन लगाकर पढ़ाई करना है। उस पढ़ाई करने के बाद हमें किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। उस क्वालिफाई होने के बाद में हमें ये रिजल्ट मिलता है कि हम आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हमारा सर्टिफिकेट्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी तरह MLM मार्केट है गाइस, होता क्या है कि यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग तो सिर्फ पैसे को देख कर चले आते हैं कि बहुत ही कम टाइम में हमारी अर्निंग होगी, हम बहुत ज़्यादा स्किल डेवलप कर पाएंगे, बहुत जल्दी सीख पाएंगे। लेकिन एक्चुअली होता है ऐसा नहीं है, हम पैसे को देख कर इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं और आते ही सोचते हैं कि हम 1 2 3 हफ्ता काम करें अच्छा खासा अर्निंग शुरू कर दें। तो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। हमें इस फील्ड में भी अगर मास्टर बनना है, अगर अपना स्किल को डेवलप करना है, तो हमें बिजनेस के हर एक शेड्यूल को, हर एक डॉक्यूमेंट्स को, हर एक प्रोफाइल को अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और इसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और हम अब तक जो गलतियाँ करते हुए आए हैं उस गलतियों को साइड में रखते हुए हमें इसकी जितने भी प्रोफाइल से, डॉक्यूमेंट्स से, डिटेल्स से, उसको अच्छे से लर्निंग करना पड़ेगा और हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और जिस तरह हम सीखना शुरू करेंगे और जो जो गलतियाँ उन्होंने की वो गलतियाँ हम नहीं करेंगे और सही डायरेक्शन में, सही टाइम पर फोकस करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो हमें IMC बिजनेस में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं वही बतलाता हूँ गाइस, कम से कम अगर हम IMC बिजनेस में आ चुके हैं तो मेरा भी मकसद वही है कि जब हम आज में आ चुके हैं तो पैसा तो आज ना कल तो कमाना ही है। लेकिन MLM मार्केटिंग में होता क्या है कि सबसे अच्छी बात है ना, हमें टाइम फ्रीडम मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है एक एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचने के बाद। उस वक्त जब सभी लोग काम करते रहेंगे उस वक्त हम इंजॉय कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसे अच्छी तरीके से सोच कर, समझ कर, ध्यान से काम करें और कुछ वक्त दें इसे। तो हमें कम से कम 1 या 2 साल लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, ना कि अर्निंग पे। मैं यही सोचता हूँ कि लर्निंग इज़ अ बेटर देन अर्निंग। तो फर्स्ट टाइम हमें लर्निंग पे फोकस करना चाहिए कि IMC बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें किस किस स्किल का ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में हर लोग को मेजर प्रॉब्लम मनी को लेकर चल रहा है। तो मनी इज़ द नॉट एन ऑप्शन फॉर सॉल्यूशन, हमें मनी को तो साथ में लेना ही नहीं है स्टार्टिंग में, हमें शुरू में अर्निंग पे ध्यान देना है, लर्निंग पे ध्यान देना है और लर्निंग पे फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। तो कम से कम 1 या 2 साल हमें इसके ऊपर इन्वेस्ट करना है, कंपनी के पूरे डिटेल्स को अच्छी तरह से जानना है, सीखना है, समझना है, हमें हर एक लीडरशिप ट्रेनिंग पे अटेंड करना है, अपने ग्रुप को लेकर जाना है और बिजनेस को अच्छी तरह बिल्ड करना है। हमारा स्किल होना चाहिए बिजनेसमैन का। हम देखते हुए आ रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस चलता हुआ आ रहा है, लोग
उसके दादाजी ये करते थे, तो उसके पापा भी ये करे, उसके बेटा भी ये करता है। लेकिन MLM मार्केटिंग वैसा नहीं है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको अगर आप एक बार बिल्ड कर देते हो अपनी ज़िंदगी में, तो आपकी 7 जनरेशन के लोग अच्छी तरह से ज़िंदगी जियेंगे। और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में मिली है, इसको फिजूल में जाने मत दो, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत ही कम है, लेकिन उस वक्त को हम अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे 7 जनरेशन की ज़िंदगी बदलने वाली है। तो आज नहीं तो कल हमें सक्सेस मिलेगा मिलेगा, बस हमें टिके रहना है, डटे रहना, अच्छी तरह से काम करना है। ये IMC बिजनेस ही है जो हमें हर एक कुछ दिलाएगी। और हम और आज के डेट में गाइस मैं ये भी बात बता देता हूँ कि जितने सारे यूट्यूब से वीडियोज़ हैं, जितने ज़्यादा हैं, आप देखे होंगे कि हमारी IMC की वीडियो इतनी ज़्यादा है, और लोग जो इंजॉय लाइफ जीते हैं वो वीडियो शेयर करते हैं, वो वीडियो हम देखते हैं। आज तक वैसा बहुत कम ही नेटवर्क मार्केटिंग का वीडियोज़ होगा जो लोग मतलब वो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, जो ख्वाब वो देखते थे, वैसे वीडियो आज तक मैंने नहीं देखा, सिर्फ IMC में ही देखा। जो लाइफ वो लोग जीते हैं वो शेयर करते हैं, हम देखते हैं, और वो जो चेक्स मिलते हैं उनको वो हम लाइव देखते हैं, उनके अकाउंट में बैलेंस होता है, हम उनके मोबाइल में, डेस्कटॉप में, वो जहाँ चाहे हम देख सकते हैं, और वो अपने लाइफ को स्टोरी जब शेयर करते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलती है गाइज। तो मैं वही कहूँगा कि कम से कम IMC बिजनेस में कंटिन्यू डटे रहिए, लगे रहिए, एक ना एक दिन सफलता मिलेगी मिलेगी। और मैं उम्मीद पूरा करता हूँ कि हम सब मिलकर अपने देश को आगे लेके जाएंगे और भारत देश को सोने की चिड़िया जरूर बनाएंगे। तो गाइज मेरा सजेशन बस इतना ही था, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हाँ, और गाइज एक बात और, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई दिस वीडियो फॉर बूस्ट माई एनर्जी टू नेक्स्ट टू हाई लेवल, एंड क्लिक द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशन फॉर नेक्स्ट अदर वीडियो। तो गाइज तब तक अपना ख्याल रखिए, बी यंग, बी हेल्दी, बी स्वदेशी अपनाएं, देश बचाएं। गुड टाइम से दोस्तों।